अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। उर्दू लिसानी ओलंपिक्स में आप तमाम का पुरखलूस इस्तकबाल है। इस खेल का नाम है मेंढक की मोड़, जमाने की दौड़। आइए इस दिलचस्प खेल के मकासद क्या क्या हैं जानते हैं। सबसे पहले जमानों के मुतालिक मालूमात हासिल होगी। जमानों के मुताबिक जुमलाबंदी की सलाहियत पैदा होगी। ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। इस खेल के लिए ज़रूरी व दरकार अशिया क्या हैं चलिए जानते हैं। सही जवाबात की निशानदही के लिए कापियां और कलम। तो चलिए नाजरीन इस मेंढक की दौड़ का तरीका कार जानते हैं। दौड़ के मैदान में तुलबा को कतार से खड़ा करें। तुलबा को हिदायत दें कि वो मेंढक की तरह कूदते हुए दूसरी तरफ जाएं और ज़माना माजी पर एक जुमला वहाँ पर मौजूद जज के सामने बयान करें और फिर दौड़ते हुए या फिर मेंढक की तरह कूदते हुए वापस आएं, फिर दोबारा मेंढक की तरह कूदते हुए जज के सामने जहाँ पर ज़माना माजी का पहले वाला जुमला कहा गया था वहाँ पर ज़माना हाल का जुमला उसी से जुड़ता हुआ बयान करें, फिर वापस दोबारा दौड़ कर या कूदते हुए वापस रवाना हो जाएं। इसके बाद आखिर में फिर कूदते हुए मेंढक की तरह जज के सामने चला जाए और वहां पर जो है जुमलाए जमानाए मुस्तकबिल बयान करें, फिर वापस अपनी मंजिल पर लौट आएं। इस तरह 3 मरतबा दौड़ होगी और 3 जुमले बयान किए जाएंगे। इस तरह जो बच्चे सबसे पहले सही जुमले बयान करते हुए पहला अपनी मंजिल की तरफ पहुँचेगा वो फातह होगा। चलिए नाजरीन इस खेल के उसूल जवाबित पर नज़र डालते हैं। एक जुमले से जुड़ते हुए तमाम जुमले हो, यानी ज़माने के एतबार से इसमें तब्दीली हो, मवाद एक ही हो। सबसे पहले पहुंचने पर 10 मार्क्स और जुमलों के बयान पर 5 मार्क्स होंगे। अगर जुमले बयान करने की सलाहियत में पीछे हो तो इसके 5 मार्क्स नफी होंगे। चलिए नाजरीन खेल का आगाज़ करते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ। जुमला साजी का जायज़ा लिया जाएगा। नताइज के लिए आइए स्कोर शीट का जायज़ा लें। स्कोर शीट के मुताबिक पहला नंबर हासिल करने वाली तालिबा हैं रिफत फातिमा मुल्ला। चलिए नाजरीन इस खेल से हासिल शुदा मासिल देखते हैं। ज़मानों के मुताबिक जुमलाबंदी करने की सलाहियत पैदा होगी। दिलचस्पी के साथ ज़मानों की शनाख्त होगी।